स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं तो एक पॉइंट अलग है। इसमें असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर दिया हुआ है, तो जब असेट्स पार्टनर टेक ओवर करता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको हम सबसे पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं, देखते हैं कौन से अकाउंट हमको ओपन करने हैं। तो आपको दिया है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2010 ऑफ मेसर्स परेश एंड महेश। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2010 ऑन द लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स परेश महेश, रिजर्व फंड, लोन फ्रॉम परेश, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स। अगर मैं इस लायबिलिटीज को पढ़ती हूँ तो कैपिटल्स इट इज अवर इंटरनल लायबिलिटी, हमने कैपिटल अकाउंट ओपन किया हुआ है। रिजर्व फंड इज ऑल्सो अ इंटरनल लायबिलिटी। व्हाट इज रिजर्व फंड? रिजर्व फंड मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो प्रॉफिट लॉसेस हमें कभी भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। दैट मीन्स इट इज अवर इंटरनल लायबिलिटी। देन लोन फ्रॉम परेश, परेश इज पार्टनर। तो पार्टनर से रिलेटेड आपको जितने भी अकाउंट्स दिए जाते हैं वो हमें सेपरेटली अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, इसीलिए हमने ओपन किया है परेश लोन अकाउंट। बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसके लिए हमें कोई भी अकाउंट सेपरेटली ओपन करने की जरूरत नहीं होती। चेक करते हैं ऑन द एसेट साइड, कैश एंड बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स लेस आर रेडी। दो इन्फॉर्मेशन है डेटर्स से रिलेटेड, तो इन दोनों को मुझे आंसर में बराबर पोस्टिंग करना पड़ेगा। कैसे पोस्ट करेंगे डेटर्स, कैसे पोस्ट करेंगे आरबीडी, आज हम देखेंगे। इन्फॉर्मेशन, द फॉर्म वॉज डिसॉल्व्ड एज ऑन 31st मार्च 2010 एंड द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। परेश टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स 27,600, महेश टुक ओवर फर्नीचर 84,000। परेश टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट नाम की असेट परेश ने टेक ओवर की, फर्नीचर नाम की असेट महेश ने टेक ओवर की। टेक ओवर की यानी क्या, वो लेकर के गए ठीक, बट फ्री में नहीं। फर्म ने कस्टमर को ना सेल करते हुए ये दो असेट्स पार्टनर को सेल की। टेकन ओवर यानी ही सेल होता है, बट पार्टनर को जब हम सेल करते हैं तो उसे हम टर्म यूज करते हैं टेकन बाय पार्टनर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग। The creditors were paid off at a discount of 900 and other liabilities were paid in full. Dissolution expenses were ₹4,200. Paresh and Mahesh were sharing profits and losses in the ratio of 3:2. जो भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो हमें 3:2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। Prepare realization account, capital account of all partners and bank account. इस क्वेश्चन में हम सब ने रूलिंग कंप्लीट किया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक एडिशनल अकाउंट ओपन किया, पार्टनर से रिलेटेड था इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्वेश्चन में बैंक दिया है इसलिए बैंक अकाउंट। अब हम पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट को हम आंसर में पोस्ट कर लेते हैं। हर एक एंट्री बैलेंस शीट की आंसर में कहीं ना कहीं पोस्ट की जाएगी। तो सबसे पहले हम पोस्ट करते हैं लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट ऑफ परेश एंड महेश। कैपिटल्स हमने सेपरेटली ओपन किए हैं तो ये कैपिटल बैलेंसेस हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। परेश महेश के अकाउंट हमने ओपन किए तो ये कैपिटल बैलेंसेस परेश महेश अकाउंट में ट्रांसफर करो। लायबिलिटी में दिया है इसलिए ऑन दी क्रेडिट साइड। परेश का शेयर इज 1,50,000 एंड महेश शेयर इज 1,50,000, बट अगेन कैपिटल में ये भी एंट्री कैपिटल की है तो हम कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकते, ये कैपिटल का बैलेंस है इसीलिए इसके आगे लिखा जाता है बाय बैलेंस। ब्रॉक डाउन इसीलिए क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोज करते समय कैरी डाउन होता है, फर्स्ट एंट्री लिखते समय ब्रॉक डाउन होता है।
आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फंड, इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, इसीलिए इसे मुझे पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो रिजर्व फंड जो अमाउंट दी है 30,000, इस 30,000 को दोनों पार्टनर्स में जब मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे रेशियो लगेगा, एंड रेशियो आपको दिया है 3:2। तो हम फर्स्ट पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे 3/5 एंड सेकेंड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे 2/5 को मल्टीप्लाई करके। तो 30,000 × 3/5 दैट मींस 18,000 एंड 30,000 × 2/5 दैट इज 12,000। तो ये 18,000 12,000 परेश का शेयर महेश का शेयर है, तो परेश महेश में ट्रांसफर करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड एज इट इज गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड। वो लायबिलिटी में है तो उसको हमें क्रेडिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैपिटल में हम रिजर्व फंड का नाम लिख सकते हैं, इसीलिए बाय रिजर्व फंड अकाउंट। अकाउंट क्यों लिखना है अब आप सबको मालूम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लोन फ्रॉम परेश, क्या हमने इसको सेपरेटली ओपन किया है? यस किया है। तो ये लोन फ्रॉम परेश, परेश लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, लायबिलिटी में है इसलिए ऑन द क्रेडिट साइड 3000। बट लोन में हम लोन का नाम नहीं लिख सकते, ये लोन का बैलेंस है इसलिए लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है इसलिए हम लिखते हैं ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल क्रेडिटर्स नाम की कोई भी अकाउंट हमने लेजर में प्रिपेयर नहीं किए, तो ये ऐसे अकाउंट्स मुझे कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटी में है इसलिए ऑन द क्रेडिट साइड बाय बिल्स पेबल अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 6,000 एंड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000। लायबिलिटी की हर एक एंट्री आंसर में आ चुकी है बट कहीं ना कहीं हमने उसको क्रेडिट में ही लिखा है क्योंकि इसका दिया हुआ है आपको लायबिलिटी, ठीक। तो हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी है लायबिलिटी की, अब हम पोस्ट करते हैं असेट्स से। असेट की भी हर एक एंट्री मुझे आंसर में कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा। चेक करते हैं, पहला दिया है कैश एंड बैंक, क्या हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है? यस। तो बैंक का बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा बैंक अकाउंट में, असेट में है इसलिए ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड में 18,000। बट बैंक में हम बैंक का नाम नहीं लिख सकते, ये बैंक का बैलेंस है इसीलिए लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए ब्रॉट डाउन। स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी एंड बिल्डिंग, ट्रेडर्स को अभी फिलहाल मैं पोस्ट भी कर रही हूँ। स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी बिल्डिंग ये सबके मैंने कोई भी लेजर में अकाउंट ओपन नहीं किए, जिनके अकाउंट ओपन नहीं करूँगी मुझे पोस्ट ट्रांसफर करने पड़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर करते हैं स्टॉक 75,000, लिखेंगे कैसे? टू स्टॉक अकाउंट 75,000 एज इट इज रियलाइजेबल असेट, इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। ऑल रियलाइजेबल असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन नेक्स्ट इज टू फर्नीचर अकाउंट 90,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000, टू मशीनरी अकाउंट 90,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 45,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 45,000। यहां तक हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट एंट्री दी है डेटर्स, बट उसके साथ कुछ तो भी और इन्फॉर्मेशन दी है आरडीडी, तो मुझे डेटर्स भी पोस्ट करने पड़ेंगे, मुझे आरडीडी भी पोस्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे पोस्ट किया जाता है डेटर्स एंड आरडीडी? डेटर्स इज अवर असेट, तो डेटर्स असेट होने के कारण और वो रियलाइजेबल असेट होने के कारण उसे हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। बट ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डेटर्स दैट इज 24,000 लिख दिया। अब हमने क्या किया है,
लेस आंगड़ी। हम क्या करते हैं, सेम साइज से माइनस नहीं करेंगे, इस आंगड़ी का माइनस का इफेक्ट शो करेंगे बाय पोस्टिंग इट ऑन द अपोजिट साइड। हमें सेम साइज से माइनस करने की जगह पे हम माइनस का इफेक्ट कैसे शो कर सकते हैं, डेटर्स के अपोजिट साइड में अगर मैं आंगड़ी लिखती हूँ तो मैं माइनस का ही इफेक्ट शो करती हूँ, माइनस यानी अपोजिट इफेक्ट। तो डेटर्स में से जो लेस आंगड़ी दिया है, लेस हमें सेम साइड से नहीं करना पड़ेगा, लेस करने के लिए हमने इसको अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसीलिए आंगड़ी को हमें क्रेडिट में लिखना है। इसके पीछे और कोई भी रीजन नहीं है, डेटर्स में से हमें आंगड़ी लेस करनी है, वैसे दिया है डेटर्स में से आंगड़ी लेस किया है तो मुझे भी यहाँ लेस करना पड़ेगा, बट लेस करने के लिए हम सेम साइड से माइनस नहीं करेंगे, हमें इसका इफेक्ट कैसे शो करना है, माइनस यानी अपोजिट, तो जहां डेटर्स लिखा है उसके अपोजिट साइड में हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आरडीडी, ताकि हम इफेक्ट कौन सा दे रहे हैं, माइनस का ही दे रहे हैं। ठीक, तो हमेशा डेटर्स को हम डेबिट में पोस्ट करेंगे और आरडीडी हमेशा माइनस ही होती है, तो माइनस का इफेक्ट हम शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज ऑन द अपोजिट साइड। सबको समझा है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पोस्ट करनी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम डायरेक्टली पोस्ट नहीं करते, हम एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं वर्किंग नोट। तो जहां बैंक अकाउंट है उसके नीचे हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट। सभी लिखेंगे वर्किंग नोट। फर्स्ट वर्किंग नोट हम हमेशा प्रिपेयर करेंगे फॉर असेट। असेट्स के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सोल्ड और रियलाइज्ड असेट्स मार्केट में बेची जाएगी या पार्टनर को बेची जाएगी, बट उसको हम लिखते हैं टेकन ओवर बाय पार्टनर। असेट्स मार्केट में बेच दो या किसी पार्टनर को भी आप बेच सकते हो। क्यों सेल करनी है असेट, क्योंकि डिसोल्यूशन पे अब हमारी फर्म बंद हो रही है, तो जितनी भी असेट्स होती है वो पूरी की पूरी हमें सेल करनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसको मुझे कैश में कन्वर्ट करना है, जो पैसा मिलेगा वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स एक्सटर्नल अमंग्स पार्टनर्स। तो कौन सी असेट मार्केट में सेल हुई, कौन सी असेट पार्टनर को सेल की गई, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा एडजस्टमेंट में। तो देखते हैं एडजस्टमेंट जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, द फॉर्म वाज डिसॉल्वड ऑन 31st March 2010 एंड द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। परेश ओवर इन्वेस्टमेंट, यानी ये इन्वेस्टमेंट नाम की असेट, टुक ओवर यानी टेकन ओवर यानी सेल, किसे सेल किया, परेश को सेल किया। परेश आउटसाइडर है कि पार्टनर है, पार्टनर है, तो हम लिखते हैं टेकन ओवर बाय पार्टनर के नीचे किसको सेल किया, परेश को। कौन सी असेट सेल किया, इन्वेस्टमेंट, कितने में सेल किया, 27,600। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने चार्ट में रिकॉर्ड कर दी, टेकन ओवर बाय पार्टनर में लिखा, क्योंकि परेश टुक ओवर इन्वेस्टमेंट ऐसा दिया है, तो टेकन ओवर बाय पार्टनर। कौन से पार्टनर ने टेक ओवर किया, परेश। कौन से से टेक ओवर की, इन्वेस्टमेंट, कितने में टेक ओवर की, 27,600। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, महेश टुक ओवर फर्नीचर एट 84,000। अब फर्नीचर नाम की असेट महेश ने टेक ओवर की, महेश पार्टनर है, तो टेकन बाय पार्टनर में ही हम लिखेंगे महेश। उसके नीचे फर्नीचर कितने में टेक ओवर किया, 84,000। राइट, आगे द असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस। और बची हुई असेट्स रियलाइज्ड हुई, किसको सेल की, परेश, महेश, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम उसे सोल्ड और रियलाइज्ड के लिस्ट में लिखेंगे। स्टॉक 73,500, देन डेटर्स 22,500, टोटल डेटर्स आरडीडी वगैरह सब एडजस्ट करके रियलाइज्ड हो रहे हैं 22,500, मशीनरी 84,000 एंड बिल्डिंग 42,000। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज के लिए, जब लायबिलिटीज का चार्ट बनेगा तब ये एडजस्टमेंट
कंसिडर किया जाएगा। असेट्स अब पूरे चार्ट में आ चुके हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सी असेट थी। हमारे पास स्टॉक था, यस रियलाइज हो चुका है। हमारे पास फर्नीचर था, महेश ने टेक ओवर कर लिया है, यानी वो फर्नीचर हमने महेश को सेल कर दिया है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, हमने उसे परेश को टेक ओवर किया, ऐसा दिया है कि परेश को सेल कर दिया। मशीनरी बिल्डिंग डेटर्स, मशीनरी बिल्डिंग डेटर्स रियलाइज हो चुके हैं। एंड हमारे पास जितनी असेट्स थी वो पूरी की पूरी हमने सेल कर दी है। कुछ असेट्स हमने मार्केट में सेल की है और कुछ असेट्स हमने पार्टनर को सेल की है। अब मुझे इस चार्ट की एंट्री करनी है। अब एंट्री में मुझे रियलाइज थी एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ेगी, पर परेश ने जो टेक ओवर किया इसकी सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे एंड महेश ने जो टेक ओवर किया उसकी हम थर्ड एंट्री पास करेंगे। तो असेट्स के चार्ट से हमें तीन एंट्रीज पास करनी है। टोटल असेट सोल्ड इन द मार्केट, टोटल वन असेट सोल्ड टू परेश एंड वन असेट सोल्ड टू महेश, ऐसे हम तीन एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे असेट्स के चार्ट से। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल असेट्स सोल्ड इन द मार्केट। अमाउंट ऑफ असेट्स सोल्ड, टोटल असेट्स हमने सेल की है 2,22,000। तो 2,22,000 की फर्स्ट एंट्री, 27,600 की सेकेंड एंट्री एंड 84,000 की सेकेंड एंट्री। चाहे आप मार्केट में सेल करो चाहे आप पार्टनर को सेल करो, असेट सेल ही हो रही है ना। सेल यानी आपको पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है यानी वो इनकम है, वो इनकम है। इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये तीनों एंट्रीज। ठीक, सेल हुआ चाहे आपने पार्टनर को बेचा चाहे आपने मार्केट में बेचा, सेल हुआ यानी हमारा इनकम हुआ। इनकम है इसलिए ये एंट्री कहाँ पोस्ट की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट सेल में। सबसे पहली एंट्री की अमाउंट है 2,22,000, तो मैंने अमाउंट में लिखा 2,22,000। सेकेंड एंट्री की अमाउंट है 27,600। थर्ड एंट्री की अमाउंट है 84,000। ऐसे तीनों एंट्रीज मुझे रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि ये तीनों एंट्रीज का मीनिंग सेल है और सेल यानी इनकम होता है, तो इसलिए मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा। अब इसके आगे हमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 2,22,000 हमने पार्टनर को सेल किया कि हमने मार्केट में सेल किया, मार्केट में सेल किया तो आपको कस्टमर से इमीडिएट पैसा मिला होगा और वो पैसा आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैंक में। इसीलिए इसके आगे लिखो बाय बैंक अकाउंट और नीचे लिखेंगे एक्स पर वर्किंग नोट। 2,22,000 हमने मार्केट में बेचा तो कस्टमर ने हमें तुरंत पैसा दिया होगा और इसीलिए ये कैश मिली, तो कैश की जगह पे हमने बैंक अकाउंट पेमेंट दिया है तो हमने इसके आगे लिखा बाय बैंक अकाउंट। अगर हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक लिखते हैं तो इसका सेकेंड इफेक्ट मुझे बैंक अकाउंट में भी देना पड़ेगा। रियलाइजेशन का क्रेडिट है यानी बैंक का डेबिट रहेगा। एडजस्टमेंट में है तो दो जगह तो पोस्ट होंगी, एक रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक है तो बैंक के डेबिट में लिखना पड़ेगा। इसके आगे क्या लिखेंगे हम, टू रियलाइजेशन। इसके दोनों इफेक्ट हो चुके हैं ना। अब सेकेंड 27,600 हमने पार्टनर को सेल किया, सेल यानी इनकम हुआ इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बट हमने पार्टनर को सेल किया कि आउटसाइडर, पार्टनर को सेल किया ना, तो कौन से पार्टनर को सेल किया, परेश को, इसलिए इसके आगे लिखेंगे बाय परेश कैपिटल अकाउंट एज पर वर्किंग नोट। By परेश कैपिटल अकाउंट एज पर वर्किंग नोट, परेश को सही किया तो हमने परेश का नाम दिया। ठीक, ये 84,000। अब जब मैं यहाँ लिखती हूँ बाय परेश कैपिटल तो मुझे इसको परेश कैपिटल में भी पोस्ट करना पड़ेगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में है तो परेश के डेबिट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट।
रियलाइजेशन क्रेडिट यानी परेश के डेबिट। अब ये 84,000 किसको सेल की है? महेश को। महेश आउटसाइड हृदय के पार्टनर है, पार्टनर है, तो इसके आगे हम उसका नाम लिखेंगे बाय महेश कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों? मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एज पर वर्किंग नोट अगर हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं बाय महेश, तो हमें महेश के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन। इसी के सामने हम लिख सकते हैं, इसको सेपरेट लिखना कर सकते हैं। टू रियलाइजेशन के सामने 21,600 परेश को सेल किया, 84,000 महेश को सेल किया। नाउ अब ध्यान दें, जो असेट हमने मार्केट में सेल की उसके आगे मैंने लिखा बाय बैंक, बट जो असेट मैंने पार्टनर को सेल की उसके आगे मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, एक बार इसको समझते हैं। अब जब हम कोई असेट मार्केट में सेल करते हैं कस्टमर, तो हम कस्टमर को बेचते हैं और कस्टमर से तुरंत पैसा ले लेते हैं, राइट। बट जो असेट हम पार्टनर को सेल करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है ना, कस्टमर और पार्टनर। तो जब मैं वो असेट पार्टनर को सेल करती हूँ, तो पार्टनर से इंजेक्ट पैसा नहीं दिया जाता, पार्टनर के कैपिटल में वो अमाउंट एडजस्ट की जाती है। यानी जब मैं परेश और महेश का कैपिटल वापस करूंगी, तब इतना अमाउंट डिडक्ट करके वापस करूंगी। तो जब भी कोई असेट, कोई भी असेट गुड्स जब हम आउटसाइडर्स को बेचते हैं, तो हम तुरंत पैसा लेंगे, बट वही अगर हम पार्टनर को सेल करते हैं, तो वो अमाउंट उनके कैपिटल में एडजस्ट होती है, इसीलिए वो अमाउंट हमने उनके कैपिटल में ट्रांसफर किया। तो जब भी मुझे परेश को कैपिटल वापस करना पड़ेगा, महेश को कैपिटल वापस करना पड़ेगा, तो इतना अमाउंट डिडक्ट करके हम उनको पैसा वापस करेंगे। इसीलिए पार्टनर को जब सेल करेंगे, तो उसके आगे आपको पार्टनर्स का नाम भी देना पड़ेगा, ठीक ना। सेकंड वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। असेट्स कैश में कन्वर्ट होने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है कैश। सबसे पहले हकदार होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को या तो फॉर्म पे करेगी, पेड बाय फॉर्म होगा, या फर्म के पास सफिशियंट कैश नहीं होगा तो पेड बाय पार्टनर। तो पार्टनर भी उस लायबिलिटीज को पेमेंट करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, अगर फर्म के पास कैश नहीं होगा तो। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। Creditors were paid off at a discount of 900. Discount of 900 ऐसा नहीं है ना? Creditors were paid off at a discount of 900 यानी जब मैं creditors को pay कर रही थी, तब हमको 900 का discount receive हुआ। At a discount of 900, discount से हम हमेशा value को कम करते हैं। तो देखो creditors कितने थे? 30,000। 30,000 का payment करना था, but उसमें discount कितना है? 900 है, यानी creditors को हम कितने में पे ऑफ करेंगे? 29,900 में। तो हमें क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 900 यानी जब हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, तो हम उनको फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, डिस्काउंट में पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंट से वैल्यू कम होती है। तो देखो क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? 30,000। उस पर डिस्काउंट कितना है? 900। तो हम क्रेडिटर्स को कितने में पे करेंगे? 30,000 कि 30,000 माइनस 900। 30,000 माइनस 900। अच्छा किसने पे किया? दिया है क्या? परेश पेड, महेश पेड, कुछ भी नहीं दिया। डेट मीन्स फॉर्म पेड टू क्रेडिटर्स। तो पे बैक फॉर्म में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। कैसे रिकॉर्ड करना? ओरिजिनल क्रेडिटर्स थे 30,000, जिसमें से 900 का डिस्काउंट दिया गया, यानी 29,100 हमने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया। एंड उसी पॉइंट में अदर लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल, यानी और भी अगर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है, तो हमने उसको फुल पेमेंट किया। क्रेडिटर्स के साथ साथ और कौन सी लाइबिलिटी थी? बिल्स पेड। दिया है ना पेड इन फुल, इसमें कोई
other liabilities were paid in full. आगे देखते हैं. Dissolution expenses were 4,200. Realization expense याद करो. जिस टाइम पे हम dissolve कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम assets को realized कर रहे हैं, liabilities को pay कर रहे हैं, तो इस firm को कुछ additional expense हुआ. कितना additional expense हुआ? 4,200. Expenses है. Expenses हम कभी भी pay करते हैं, तो मुझे इसको पे करना पड़ेगा. किसने पे किया? परेश महेश, कुछ भी मेंशन नहीं है. मैंने फॉर्म में पे किया होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. टोटल कितना पे हुआ? 4,200. कोई भी लायबिलिटी पार्टनर ने पे नहीं की. तो देखते हैं कितनी लायबिलिटीज का फॉर्म ने पेमेंट किया. 39,300. यस. तो अब हमें लाइबिलिटी में से एक सिंगल एंट्री पास करनी है. 39,300 क्या किया है? पे किया. हमने पे किया है पॉकेट से पैसा बाहर. एक्सपेंस और इनकम. एक्सपेंस है रियलाइजेशन के डेबिट में 39,300. किसने पे किया? परेश ने, महेश ने कि फॉर्म ने? फॉर्म ने. अगर परेश ने पे किया होता तो मैंने लिखा रहता है परेश कैपिटल. महेश ने पे किया होता तो हमने लिखा रहता महेश कैपिटल. फॉर्म ने पे किया तो फॉर्म का पैसा कहाँ है? बैंक. तो हम इसके सामने लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एज पर वर्किंग नोट. अगर हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं टू बैंक, तो हमें बैंक के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 39,300. ठीक, आगे. अब सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी पे ऑफ हो चुकी है. अब बारी है पार्टनर्स की. बट पार्टनर्स को सबसे पहले पे किया जाता है उसका लोन. है क्या कोई पार्टनर का लोन? यस. कितना है वरिष्ठ का लोन? 3,000. हमें ये 3,000 पहले पे ऑफ करना पड़ेगा ना, फिर उसका कैपिटल वापस करना पड़ेगा. तो 3,000 कैश है क्या हमारे पास परेश को लोन पे करने के लिए? तो मैं बैंक अकाउंट देखती हूँ. यस, मेरे बैंक में 18,000 शुरुआत में पैसा था. 2,20,000 असेट सेल करके पैसा आया, उसमें से सिर्फ 39,300 का एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे हो चुका है. यानी बैंक में अभी भी सफिशियंट कैश है. तो सबसे पहले पार्टनर का लोन रिपे करो. तो ये 3,000 मुझे पहले पे करना पड़ेगा. फॉर्म पे करेगी पहले परेश को उसका लोन. तो फॉर्म पे करेगी तो फॉर्म के लिए कैश इज गोइंग आउट. कैश की जगह पे बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,000. ये 3,000 हमने किसके अगेंस्ट पे किया? लोन के अगेंस्ट. किसका लोन? परेश का लोन. तो इसके आगे लिखेंगे बाय परेश लोन अकाउंट. अगर हम बैंक के क्रेडिट में लिखते हैं बाय परेश लोन, तो हमें परेश लोन के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट. जितना लोन दिया था वो पूरा का पूरा पे ऑफ हो चुका है. यानी ये लोन अकाउंट कैरी हो चुका है. कोई भी बैलेंस परेश लोन में नहीं ना. अब सारी एंट्रीज हो चुकी है. एक्सटर्नल को भी पे कर दिया, पार्टनर का लोन भी पे कर दिया. अब बारी है पार्टनर के कैपिटल की, जिसके लिए हमें एक एक अकाउंट को क्लोज करते जाना है. सबसे पहले हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल दिया जाएगा, रियलाइजेशन का क्रेडिट का टोटल दिया जाएगा. मैंने बताया मैक्सिमम केस में रियलाइजेशन अकाउंट आपको लॉस दिखाएगा. मैक्सिमम केस में, हर क्वेश्चन में नहीं. मैक्सिमम केस में रियलाइजेशन का डेबिट का ही टोटल ज्यादा रहता है. तो टेक द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. देखो किस साइड की टोटल ज्यादा है. जिस साइड की टोटल कम है वहां रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस. पहले कैलकुलेट करते हैं बैलेंस. पहले आप कैलकुलेट करेंगे सभी. टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड क्रेडिट साइड. मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रही हूँ.
देखो ऐसी पोजीशन है क्या, डेबिट की टोटल 393,300, क्रेडिट का टोटल 372,600, इसमें टोटल किस सेट की ज्यादा है, डेबिट की ज्यादा है, तो जो टोटल ज्यादा है उसको हम दोनों तरफ लिख देंगे, 393,300 जिस सेट की टोटल कम है वहां लिखा जाता है बैलेंस, यानी मुझे बैलेंस लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, बट ये बैलेंस आपको देगा या तो प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब ये 20,700 हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है लॉस है, तो किस साइड की टोटल ज्यादा थी, डेबिट की यानी ये लॉस, लॉसेस को तो बेयर पार्टनर्स ही करेंगे, तो 20,700 को हमें दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। कैलकुलेट करो हर एक का शेयर, 20,700 इनटू 3/5, पहले क्या कर दो 5 से डिवाइड कर दो, दोनों में 5 से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों के शेयर हो जाएंगे, तो 20,700 डिवाइडेड बाय 5 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं बैंक में।
हैं कि हम परेश को पे कर रहे हैं 127,980, महेश को पे कर रहे हैं 67,769,720 एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन। पार्टनर्स के कैपिटल हम उनको वापस कर रहे हैं। अगर कैपिटल के डेबिट में लिखा है टू बैंक, तो हमें बैंक के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय परेश कैपिटल एंड बाय महेश कैपिटल। परेश कैपिटल 127,980, महेश कैपिटल 69,720, टेक द टोटल ऑफ बैंक अकाउंट, ये टैली मिलना चाहिए। Yes, 2,40,000 is the total of bank. हमेशा bank क्या होगा resolution में? Tally होगा, जितना पैसा था वो distribute हो चुका है। इस question में सिर्फ एक एक जो हमने आज देखी अलग। When partners take over assets, तो क्या इनकी accounting treatment होगी? Partner लेके जा रहे हैं, यानी partner को हमने sale किया, sale यानी income, तो उसको realization के credit में transfer करो। Partner को sale किया, तो mention होना चाहिए ना कि ऐसे मैंने partner को sale की, इसीलिए partner के नाम आपको record करने पड़ेंगे। Done। कोई भी असेल जब हम आउटसाइडर को बेचते हैं तो पूरे पैसा लेंगे, बट अगर हम असेल पार्टनर को सेल करते हैं तो वो अमाउंट उसके कैपिटल में एडजस्ट की जाती है, इसीलिए पार्टनर के नाम हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। डन। तो कोई भी डाउट होता है, रहते हैं डाउट्स के जवाब में आज लाइव में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।